यानी जोशी जी भी आते हैं तो उनके साथ भी कुछ प्लान है हमारा बहुत जल्दी अपन का। अब जोशी जी से समझ जाओ कौन जोशी, हल्द्वानी में एक ही जोशी जी है हु इज फेमस, दैट इज सौरभ जोशी। और अभी जैसे सेशन होगा तो आपको कुछ उसके हाइलाइट्स मिल जाएंगे और इसी के साथ साथ आपको फीडबैक्स दिखाऊंगा। आपको जो लोग ज्वाइन किए थे उनको मज़ा आएगा, समझ में आएगा। जो लोग ज्वाइन किए थे अगर आपको अच्छा लगा सेशन, मज़ा आया, तो हम लोगों को इस ब्लॉग के नीचे कमेंट करके जो बताना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग भाई, क्या हालचाल सभी के, आई होप बढ़िया होंगे। सो आज है सैटरडे और सैटरडे के दिन मार्केट वगैरह बंद रहता है, लेकिन आज तो आए भाई की भाई का बहुत इम्पोर्टेंट एक सेशन है जो कि वर्कशॉप जो कि अपना हो रहा है 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 7 to 9, यानी 6:30 बजे से मैं स्टार्ट करूँगा ना, 7:30, 8:30, 9:30 ऑलमोस्ट ये मान लो 10 बजे तक चली जाएगा। सो दिस विल बी अ लाइव सेशन जो अपन 3 घंटे के आसपास का करेंगे, 3 घंटा एक लाइव सेशन रहेगा, एक आज एक कल। सो ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द स्कैल्पिंग जो मैंने उसमें डिज़ाइन की हुई है, मैंने प्लान किया हुआ है डिस्कस करने का, समझाने का, सिखाने का, वो सब अपन करेंगे। फिलहाल मैं जा रहा हूँ जिम, सुबह बैठ चुके हैं 8, मैं थोड़ा सा रात में लेट सोया था तो मैं भी लेट उठा। फिलहाल निकल लेते हैं जिम की तरफ और गलियों से होते हुए जा रहा हूँ। तो मैंने कल शाम को भी जिम किया था, मैंने बैक का एक्सरसाइज किया था, बैक ट्रेन किया था, तो अभी मैं जा रहा हूँ, देखते हैं चेस्ट करें या बाइसेप्स वगैरह करूँ, क्या करूँ, लेट्स सी, देखना पड़ेगा। ठीक है, बाइसेप ट्राइसेप कर सकते हैं, कल करेंगे चेस्ट में भी, देखते हैं। कल ही बैक किया तो बैक अगले दिन चेस्ट बस ठीक नहीं लग रहा, मतलब ठीक क्या है, जो मन करे वो करो यार, कुछ ना कुछ तो करके ही चलो, मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए जिम में, ऐसा नहीं है, ऐसा सो प्लान करके मत जाएगा। अब जो जिसको एकदम वो बनानी है ना कि एकदम भैया बॉडी बिल्डिंग में या कॉम्पिटिशन में खड़ा होना है, वहाँ पर एक उस स्टेज पर खड़ा हो यूं करना, वो प्लान करते चीज़ें, अगर हमको फिटनेस पर ध्यान देना हम क्यों करें बताओ। तो गाइस अपना जिम हो गया है और आज अपना क्या बोलते, मैं अकेले गया था, हेमू नहीं गया था मेरे साथ, तो अपन ऐसे शूट वूट नहीं करते, नहीं दिखा होगा आपको, मैं रनिंग किया था दबा के और उसके बाद फिर मैंने शोल्डर वर्कआउट मारा। शाम को मेरी क्लास है तो अभी मैं फिलहाल जाता हूँ घर पे, देखता हूँ क्या क्या काम है मेरा पेंडिंग जो रह गया जो करना है, और अपने जिम पे वो क्या बोलते हैं अभी आए थे इंदिरा आर्या भाई साहब सिंगर हमारे, यानी थोड़ा बातचीत हुई बढ़िया, क्योंकि वैसे तो सोशल मीडिया पर तो अपन देखते रहते हैं एक दूसरे को, लेकिन बातचीत नहीं होती है, तो आज अपन डिस्कस करके आए थोड़ा सा क्या है, कैसा है सिस्टम, क्या चल रहा है, यानी। और बाकी फ़िलहाल जाता हूँ घर, अपना क्या बोलते हैं जोशी जी भी आते हैं वहाँ शाम को, यानी जोशी जी भी आते हैं तो उनके साथ भी कुछ प्लान है हमारा बहुत जल्दी अपन का। अब जोशी जी से समझ जाओ कौन जोशी जी, हल्द्वानी में एक ही जोशी जी हैं हु इज़ फेमस, दैट इज़ सौरभ जोशी। सो शाम को कभी जाऊँगा तो आपको मैं मिलाऊँगा। सो गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह करके अब मैं जा रहा हूँ जगह बाल वाल सेट करवाने, थोड़ा सा ठीक ठाक करवाता हूँ दाढ़ी बाल, यानी थोड़ा सा हेड मसाज, है ना, मज़े ही आ जाएगा फिर, तू बाल वाल सेट करवा करोगे ना, क्योंकि अरे भाई कैमरा बाल वाल सेट करा के थोड़ा सा, जैसे अपना 2 दिन का सेशन है आज, 3 घंटे आज अपनी क्लास लेनी है, 3 घंटा कल लेना है, तो बाल हाल ये सब कटवाना ज़रूरी है। ठीक है, सो लेट्स गो टू माई बाबर है यार, बाबर थोड़ी है, बाबर तो है बाबर आजम, वहाँ का प्लेयर है एक पाकिस्तान का ना, फटाफट चलते हैं अपने बाबर के पास। मैं जब गोवा जा रहा था, गोवा से पहले मैं करवा के गया था, फिर थोड़ा बड़े हो गए तो इनको सेट करवा के आता हूँ। सो गाइस अपने यहाँ पे हेयर कट हो चुका है, बाल वगैरह मैंने कटवा लिए, एकदम टॉप नॉच क्वालिटी हेयर कट। सो अभी मैं निकलता हूँ वापस घर को, क्योंकि अब मेरे को थोड़ा सा नींद टाइप का आ रहा है, यानी नींद आ रहा है, तो थोड़ा सा खा पी के एक बार थोड़ा आराम कर लेता हूँ घर जाके ना, सो जाते थोड़ा सा, ठीक है, और सोना नहायत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेहत के लिए, नींद पूरी करना, अगर थकान लग रही है तो थोड़ा सो जाओ, नैप ले लो, कुछ भी कर लो, बिना सोए नहीं रहना है नहीं, क्योंकि ऐसी स्ट्रेसफुल काम होता है अपना, स्टॉक मार्केट का इतना ज़्यादा स्ट्रेस पे स्ट्रेस है न,
खुद का करने में तो उतना स्ट्रेस नहीं है, ट्रेडिंग खुद करो ये सब करो ना अपना कुछ भी करो, लेकिन जब लोग आपसे सीखते हैं ना, आप लोगों को सिखा रहे हो, आपका बिजनेस चल रहा है, आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो सिखा रहे हो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि हाँ यार इनको सिखाना है, इनको प्रॉपर तरीके से सही चीज़ें बतानी है, सही गाइडेंस देना है। बंदा गलत सीखा तो कहीं ना कहीं उसका लॉस होगा, नुकसान करेगा कल के दिन गलत चीज़ें सीख के, तो वो चीज़ें नहीं करनी होती हैं। तो स्ट्रेसफुल चीज़ें ये सबसे ज़्यादा होता है कि हाँ यार आप प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करो, प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड करो, क्योंकि सामने वाले का फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं वो उसे लॉस होगा तो फिर वो कल के दिन में आपको ही बोलेगा कि हाँ इसकी वजह से हुआ, इसने ये चीज़ें बताई थी, ये चीज़ें सिखाई थी। तो इसी तरीके की एजुकेशन पे ना बहुत ज़्यादा करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। अपना ट्रेड वेड तो मतलब इतनी आदत हो गई है तो कुछ नहीं होता है नहीं, इसलिए मैं घूम नहीं पाता क्योंकि अपने इतने सारे काम चल रहे होते हैं। मतलब सिर्फ ट्रेड कर रहा होता तो मैं घूमता जहाँ तहाँ घूमने में रहता, तो क्या फ़र्क पड़ रहा था उससे, है ना, ट्रेड वेड करते रहो घूमते रहो। सो फिलहाल मैं निकल रहा हूँ और बस जाते घर पे और पढ़ते आराम। दोस्तों अभी मैं फिलहाल आ गया छत पे थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने, फिर मैंने अभी दो घंटे लगातार बोलना भाई, मेरा सेशन है अभी लाइव सेशन, आपको मैं दिखाऊंगा फीडबैक्स, क्या ज़बरदस्त फीडबैक्स आएंगे, है नहीं, बहुत एनर्जेटिक सेशन रहने वाला है। दो घंटे है, दो घंटे में आग लगा देनी है, है ना, ऐसा सेशन उनको कभी मिला नहीं होगा लाइव सेशन बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि जितने लोग आए जो रिस्पॉन्स को मिला बहुत ज़बरदस्त था, मेरे को बहुत मज़ा आया, है ना। अपन कर रहे हैं तो अपना टाइम है लोगों को देने का, सिखाने का, समझाने का। फिलहाल आप मौसम देखो बहुत ज़बरदस्त, इधर को अपना पूरा लानी का शहर और क्या ज़बरदस्त व्यू आता है भाई शाम को, है नहीं, बहुत सही। ये देखो ये जब अपना क्या बोलते हैं जो अपना टावर रेडी होता है वहाँ पर जब जाऊँगा वहाँ पर मैंने आपको दिखाया है शाम का व्यू, तो वहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है शाम को, बहुत ज़बरदस्त मौज ही काटी जाएगी वहाँ। तो फिलहाल रेडी होते हैं, अभी हो रहा है 6:20 हो रहे हैं अभी, तो अभी 7 बजे से मेरा सेशन चालू है, 6:30 से मैं प्रीमियर कर दूंगा, तो लोगों को आज वीकेंड में काफ़ी ज़बरदस्त सीखने को मिलने वाला है, और मंडे से मुझे लग रहा है कि आग आग ना लगा दें मार्केट में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सीखना और एग्जीक्यूट करने में देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, वही एग्जीक्यूट कर पाती हूँ, कर पाता है सीखी हुई चीज़ों को, जो सिखाई हुई बातों पर अमल करें, मतलब उनको मतलब उस पर प्रैक्टिस करे, है ना, प्रैक्टिकली उनको अप्लाई करे, उन पर बैक टेस्ट करे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल व्यू, और अभी जैसे सेशन होगा तो आपको कुछ उसके हाइलाइट्स मिल जाएंगे, और इसी के साथ साथ आपको फीडबैक्स दिखाऊंगा। अच्छा खासा प्रॉफिट में निकल जाओगे, लेकिन आपने स्कैल्पर होने के बावजूद एक ट्रेड में आपने एंट्री की, आपने कहा फर्स्ट एड ले रहा हूँ, यार फर्स्ट एड में लॉस कैसे हो सकता है, मुझे फर्स्ट एड में लॉस नहीं होना चाहिए, हाउ कैन दिस हैपन टू मी, है ना। आपने क्या किया, नहीं थोड़ी देर होल्ड करता हूँ, थोड़ी देर तो होल्ड करूंगा यार, देखा जाएगा मार्केट में क्या होगा, वो 2% के बजाय 5 पहुंचा, 10 पहुंचा, 20 पहुंच गया, जो लॉस आपने अगले 10 ट्रेड में लेना था वो लॉस आपने किस में ले लिया, एक ही ट्रेड में ले लिया, बस ट्रेड तो आपने 10 लेने, एक ही ट्रेड में आपने 20% उड़ा दिया, है ना, जहां 2 उड़ाना था 20% उड़ा दिया, किस लिए उड़ाया, होल्ड करके उड़ा दिया, लॉस को होल्ड करके उड़ा दिया। सो आपकी सारी जो आगे की अपॉर्चुनिटीज है आपने उन सारी अपॉर्चुनिटीज को खुद के लिए खुद ही बंद कर दिया, खुद ही खत्म कर दिया। सो अब आप खुद सोचो कि क्या आप इससे पैसा बना पाओगे। दोस्तों अपना वर्कशॉप कंडक्ट करने के बाद मेरा गला पूरा बैठ चुका, आप मेरी आवाज से पहचान रहे होंगे मेरी आवाज कैसी हो चुकी है, एकदम पूरी बैठी हुई आवाज हो चुकी है, गला पूरा जो गला है मेरा बैठ गया, मतलब ये बोलन ज़्यादा, तो मैं भी बाहर आया था, मतलब वर्कशॉप मैंने कराया लगातार, मैं 6:30 से था 9:30 तक, तो पूरा लाइव वर्कशॉप किया, आपने देखा होगा क्लिप्स में, थोड़ा सा मतलब बहुत ज़बरदस्त एक तरीके से अपना वर्कशॉप रहा फर्स्ट सेशन, कल अपना सेकंड सेशन, आज अपन ने जितना भी वर्क किया सारा साइकोलॉजी माइंड सेट, है ना, इमोशनल कंट्रोल कैसे किया जाता है, क्या माइंड, क्योंकि स्कैल्पिंग इज ऑल अबाउट माइंड सेट, और मैंने ट्राई किया एक्सप्लेन करने का, कन्वेंस करने का कि हाँ दिस इज़ द रियल रीज़न कि यार एक स्कैल्पर कैसे मार्केट में लॉसेस कर रहा है, क्या रियल रीज़न है। तो आई होप आपको जो लोग ज्वाइन किए थे उनको मज़ा आएगा, समझ में आएगा, जो लोग ज्वाइन किए थे अगर आपको अच्छा लगा सेशन, मज़ा आया तो हमें इस ब्लॉग के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैंने रिव्यूज़ जितने थे जो लोग के फीडबैक्स थे नीचे से भर भर के थे भाई, मैंने वो आपके साथ शेयर किया है, आपने देखा होगा, है ना, किस तरीके से अपना वर्कशॉप चला वो आपने देखा होगा, उसके कुछ क्लिप्स
अब कुछ क्लिप भी मैं दिखा सकता हूँ क्योंकि दैट वाज अ सेशन, लोगों ने वहाँ पे कुछ पे किया था, वो आए थे सो उनने कुछ वैल्यू दिया तो उनको कुछ वैल्यू मिलना चाहिए, वो मेरा फुल अटेम्प्ट रहता है। सो मेरा दिस वाज द फर्स्ट सेशन, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी फीडबैक मेरे को काफ़ी ज़बरदस्त मिले। सो आई विल कंटिन्यू ऑन डूइंग ऑल दिस, क्योंकि अपन प्रॉफिट कितना करें, लॉस कितना करें, क्या करें, उससे आपको क्या मतलब है, मतलब वो इस चीज़ में सोचता हूँ ना कि यार इससे आपको मिल ही क्या जाएगा, मज़ा आ जाएगा, देख लोगे थोड़ा बहुत, हाँ हाँ कर दोगे, लॉस देखोगे मेरा तो बहुत इन्जॉय कर लोगे, प्रॉफिट देखोगे तो कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग क्या बोलते हैं, कहेंगे यार कैसे हो गया इसका, कुछ लोग मतलब है नहीं, तो कुछ लोगों को कुछ पसंद नहीं आएगी, कुछ लोगों को देख के अच्छा लगेगा, हाँ सो यार मैनी काइंड ऑफ पीपल, बट उससे आपको किसी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सो अपना ये है कि अपन अब सिखाने एजुकेशन वाले साइड पर ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि करेंगे क्योंकि अपन अपना ट्रेड कर दें, अपना जो स्किल सेट है वो मुझे क्या बोलते हैं ट्रेड करके स्कैल्पिंग करके मेरा उससे स्कैल्पिंग हो जा रहा है, मेरे को निकालना आ रहा है, मैं बना लेता हूँ। बट आपको अगर ऐसे देख देख के खाली आप मोटिवेट हो गए, इन्फ्लुएंस हो गए, लेकिन आप सीखोगे नहीं तो फिर कैसे फ़ायदा। सो दैट्स वाई आई एम प्लानिंग कि आपको मैं मतलब जो अपने व्यूवर्स हैं जितने हैं ट्राई करेगी यार लाइव सेशंस, लाइव क्लासेस, लाइव वर्कशॉप्स, ये सारे ज़्यादा करवाए, ताकि एटलीस्ट कुछ तो रिकॉर्डेड से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो लाइव में एक बंदा समझता है ना, जो लाइव में इम्पैक्ट करता है बंदे को, जो देख रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपन सब लाइव वाला ज़्यादा भी सेक्शन में ज़्यादा ध्यान देंगे, जो भी कराया जाएगा लाइव कराया जाएगा। सो अपना कल सेकेंड सेशन है, मैं भी घर जा रहा हूँ, अभी रात के 12 बजने वाले हैं, मैं बाहर आया था इसी लॉन्ग राइड पर, खाली सड़क में भागा निकले गाड़ी थोड़ा सा, है नहीं वो थोड़ा होता ना सर वर दर्द भारी, तो ऐसे ठीक हो जाता है, मेरा गला वैसे वो हो गया है पूरा जाम जैसा हो गया। कल देखते हैं, कल का भी अपना बहुत बिजी दिन है, बहुत सुबह से रात के 9 बजे तक बिजी दिन है, 9-10 बज, कल 10 बज सकते हैं रात के, कल संडे है, फिर मंडे को थोड़ा मैं रिलैक्स करूँगा, मंडे को आराम करेंगे, मंडे वाले ब्लॉग में आपको, ट्यूसडे वाले ब्लॉग में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ, घर पहुँचने वाला हूँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, आई होप यू एन्जॉयड, अगर आपने वर्कशॉप ज्वाइन किया था तो कमेंट करके जरूर बताएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।